सभी ध्यान दोगे, जो प्रॉब्लम आप लोग सोचे हैं उन काम करें निकलें। तो पहला क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 8, फिर 9 है और फिर क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग इन साढ़े तीनों क्वेश्चन पे काम करेंगे, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दोगे ना? ऑन कर दो, ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जब भी पहला क्वेश्चन है जो आप लोग पूछे हैं, 8 में कह रहा है कि एक ट्रैपेजियम शेप फील्ड है। एक फील्ड किस शेप में है? ट्रैपेजियम शेप में फील्ड है, ठीक है। एक ट्रैपेजियम शेप में फील्ड है जिसका क्या दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जिसका एरिया क्वेश्चन में गिवन है, जिसका एरिया क्वेश्चन में है, इसका एरिया क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इसका एरिया बाबू दिया हुआ है आपका 9400। मीन्स एक ट्रैपेजियम आपके पास है, बहुत सुंदर सा ट्रैपेजियम है ना, क्रीम बोर्ड लगा दिए हैं, ताकि और चमके है, है कि नहीं? Yes. थोड़ा सा मोटा है, इसका कितना एरिया है बाबू? इसका एरिया है 9450 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। चलिए फिर क्या होगा, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर। इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं, यहाँ दो पैरेलल साइड दिखाई पड़ रहे हैं आपके होंगे, एक कौन है ए बी और दूसरा कौन है सी डी। एक पैरेलल साइड दूसरे पैरेलल साइड का दुगना है, ट्वाइस मींस क्या दुगना होता है, तो कौन छोटा है, क्या मानेंगे उसको, कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन, कौन डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, तो दो पैरेलल साइड के बीच का, दो पैरेलल साइड के बीच ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड इस कितना दिया हुआ है, 84 मीटर गिवन है, 84 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है दोनों पैरेलल साइड के बीच का हाइट होगी। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, निकालना है बड़ी एरिया हमारे पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस कितना डीसी हो गया ना, इंटू हाइट कितना हो गया ए, एरिया क्या दिया हुआ है 9450। हाफ को हाफ छोड़े ए बी एक्स हो गया, बीसी क्या हो गया 2x, हाई कितना हो गया 84, काटेंगे 242 आएगा 9450 भागा 42 इक्वल टू 2x प्लस x, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। 42 यहाँ पर 250 कट जाएगा, कट गया, 3 से कटेगा 7×21 बजा 1 15 था बजे 7×75 7×35, ठीक है। तो दिक्कत x मिल गया, x मिल गया, लॉन्गर साइड कौन है, देयरफॉर लॉन्गर साइड डीसी है ना, डीसी को 2x कहेंगे ना, x का मान कितना है 75, 75 इंटू 2 कितना हो गया 150 मीटर आपका क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बोलोगे इसमें नहीं है छापोगे इसको। अभी ध्यान दोगे मैं बता रहा हूं, बोर्ड पढ़े 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, लेंथ ऑफ द फेंस, समझते हो फेंस मीन्स क्या होता है, फेंस मीन्स होता है घेरना, लेंथ ऑफ द फेंस। मान लो हमारे पास कोई खेत है, ठीक है, उस खेत को है तो तार से घेरते हैं ना, ताकि उसमें कोई दूसरे लोग घुसे नहीं, या उसको सीमेंट की दीवार से घेरते हैं या बांस से घेरते हैं, कोई आया नहीं उसमें। फेंसिंग जहां भी है समझ जाओ बाउंड्री पे काम हो, बाउंड्री मतलब उसे चारों तरफ घेर दिया गया, ठीक है, पेरिमीटर पे काम हो। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ए ट्रैपेजियम शेप्ड फील्ड, एक फील्ड है
जो ट्रेपेजियम शेप में है उसका नाम है एबीसीडी और उस फील्ड का हाइट दिया हुआ क्वेश्चन में ही है। लेंथ ऑफ फेंस, ध्यान में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ फेंस जिस तार से घेरा गया फील्ड को, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम इज कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम इज कितना दिया हुआ है 130 मीटर, ठीक है, फेंस की लंबाई 130 मीटर दी गई है, साइड ए बी परपेंडिकुलर दिया हुआ है किसके, बीसी के, ये भी दिया हुआ, ठीक है, बीसी का मान 54 है, बीसी कितना है 54 मीटर क्वेश्चन दिया हुआ है, सीडी कितना है, सीडी है 19 मीटर क्वेश्चन में ये भी दिया गया है, एडी कितना है 42 मीटर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया निकालो, अभी जस्ट कहा था फेंस का मतलब घेरना होता है, इस फील्ड का फेंसिंग किया गया, फेंसिंग में घेरा गया, घेरा गया तो तार हम लोग यहां भी लगाए होंगे, तार यहां भी लगाए होंगे, तार यहां भी लगाए होंगे, तार यहां भी लगाए होंगे, यहां जो तार लगा होगा उसकी लंबाई किसके इक्वल है, एडी इक्वल है, यहां जो तार लगाए उसकी लंबाई एडी इक्वल, यहां तार लगा बीसी इक्वल, यहां तार लगा दिक्कत नहीं, निकालना है फील्ड का एरिया, एरिया मिल जाएगा बशर्ते की हाइट मिल जाए, क्योंकि पैरेलल साइड दिया हुआ हमारे पास है 54 और 42, हाइट मिल जाएगा, समझ जाएगा ना, मीन्स ए भी निकालने का काम बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पर हाफ इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो घट क्या रहा है हाइट, हाइट चाहिए हमको ना, चलिए हाइट निकल जाए काम बन जाएगा, हाइट निकल गया कैसे, लेंथ ऑफ फेंस, फेंस मीन्स जहां घेरे हैं आप, 42 प्लस 19 प्लस 54 प्लस एडी इक्वल टू 130, कोई प्रॉब्लम, अरे 42 19 54 130 सही है, तो 54 प्लस 19 कहोगे सर 73 होगा, 73 में जोड़ोगे 42 तो 125 नहीं 115 इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू 130, तो पढ़ सीखो, अरे इस तीनों को जोड़ेंगे 115 है ना, 115 उस तरफ गया, कहोगे 130 मीटर माइनस 115 मीटर सही है, 130 में घटाओगे 115 को कितना आएगा 15 मीटर, दिस विल बी योर आंसर, ए बी का मान क्या आ गया, जब ए बी का मान 15 आ गया हाइट मिल गया, हाइट से 90 दिया है ना, देयरफॉर देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर एबीसीडी इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कहोगे एडी प्लस बीसी इंटू हाइट क्या हो गया एबी, हाफ को हाफ छोड़े एडी कितना हो गया 42, बीसी कितना हो गया 54 और हाइट एबी कितना हो गया 15, क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लोगे ना, आपके आंसर आ गए सब लिखिए पास में, कहीं प्रॉब्लम है वो वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग का स्कूल जल्दी खुलने वाला है पता है ना, कब खुल जाएगा, हाँ पटना स्कूल पहले खुल जाएगा, कौन स्कूल रहा जब स्कूल खुला हुआ स्कूल है, जाते हो स्कूल तब कि नहीं देखो पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, देख बात नहीं एक ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया गया, जबकि उस ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड जो है वो 15 cm और 13 cm दिया गया है, तो निकालना है इसका एरिया, इस क्वेश्चन को कितने बच्चे बना सकते हैं खुद से हाथ उठ दिए तुम मान लोगे, और कोई तुम
क्या क्या शक है कुछ शक कौन जी शक कौन जी बोलता है इसको फर्स्ट डे पढ़ाया आया होगा आप लोग को फिर भी तुमने आत्मविश्वास नहीं दिखाया है बहाने के लिए आप पंडित जी मैं ध्यान दो यहां पर एक ट्रेपेजियम बहुत दिया ठीक है उस ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड क्या है 25 और 11 11 मान लेंगे कि कितना हो गया 25 नन पैरेलल हो गया रे नन पैरेलल साइड कितना है 15 और क्या है 13 इसको हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाए थे अपना जो लेक्चर आपको दिए थे खुद किए जिस दिन ट्रेपेजियम का आइडिया गया होता है उस दिन क्वेश्चन से काम किए थे आप लोग तो गधे हैं याद कहां रहे आप लोग क्या गधा को भी याद आता है कमाड़ कब लगा था है कि नहीं है कि नहीं गधा पूछो को मार कब लगा था हाँ पन्ना दिन मार लगा था वो गधा से बेकार है नहीं काम किए थे बोलो फर्स्ट कन्हैया जी खाओ ये सुच कुछ है क्या बाल लड़ा के चंगेज खान के बाल बनाए थे है? अरे जी अरे क्या बात है तुम क्या है तुम क्या है सुच के भी नहीं उठ क्यों ले आया उठ क्या है बैठ जाओ देखो पढ़ाई किसका होगा एक कंस्ट्रक्शन करेंगे एक लाइन ड्रॉ किए थे बी के थ्रू इसके पैरेलल एडी के पैरेलल है बाबू ना ये लाइन ड्रॉ मैंने किया एज कंस्ट्रक्शन एडी के पैरेलल ये सिंबल है पैरेलल का एरो है ना एरो इंडिकेट दैट दे आर पैरेलल इसको नाम इसको मान लिया मैं से ए बी सी डी ई मान लिया कोई प्रॉब्लम किसको इसमें हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये ए बी किसके पैरेलल था ट्रेपेजियम तो क्या ए बी डी के भी पैरेलल होगा नहीं होगा अरे इतनी बड़ी पटरी है रेलवे की ये आपस में पैरेलल है पटरी को काट देंगे तो क्या ये टुकड़ा इसके पैरेलल नहीं कहलाएगा कहलाएगा जब ये पूरा इस पूरे के पैरेलल है तो इस पूरे का इतना सा भाग भी तो इसके होगा पैरेलल नहीं होगा 25 ये पूरा है 25 ये पूरा है ठीक है ठीक ना आओ आइए 25 ये पूरा हो गया ठीक है ये 11 है अब देखिए सिंस हमने बी को ड्रॉ किया पैरेलल टू एडी ड्रॉ किया ना और ए बी पहले से ही पैरेलल किसके है डी के क्योंकि ए बी पैरेलल था डीसी के तो ए बी का टुकड़ा डीसी का टुकड़ा डी ही हुआ पैरेलल बोलो ये इसके पैरेलल तो क्या बन गया ये पैरेललोग्राम सो दैट वी कैन से ए बी ई डी इज ए पैरेलल और जब ये प्रोग्राम प्रूफ हो गया ये 15 है ना ये भी कितना हो जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं देयरफॉर बी का मान भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर और डी का मान भी कितना होगा 11 सेंटीमीटर ये 11 है ना 11 ये भी होगा ये 15 था ये भी कितना हो गया यहां तक बहुत बढ़िया ये 11 ही 11 हो गया ये 15 था ये 15 हो गया अब यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि परिणाम का अपोजिट साइड सेम होता है ठीक है ये 11 बाबू 11 हो गया ये 15 ये भी कितना 15 हो गया क्या तुम केस के बाद बताओ ईसी को फाइंड ईसी को फाइंड पकड़ लिया उसके बाद का एंगल का एरिया बिना हाइट के कहा से का लिया है एग्जाम्पल देख उतार बैठ
आप लोग बोलते इतना सफाई से हैं तो उसमें आप बोलते हैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहे तो बैठने का देता है। उसके बाद एग्जाम्पल से उतार दीजिए, है ना। तो इसने इसी निकाला और इसी में एग्जाम्पल से उतार दीजिए, यही किया इसके बाद, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा इसी, इसके बाद क्या करेंगे, बना इसी निकालेंगे सर, इसके बाद एग्जाम से उतार लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर ईसी निकालने के लिए डीसी में माइनस करेंगे किसको, डी। ईसी निकालने के लिए बाबू डीसी में डी को माइनस कर देंगे, ठीक है। ईसी निकालने के लिए इतना काम करना पड़ रहा, ठीक है। डीसी से ही आपको दिखाई पड़ रहा कितना है, 25 सेंटीमीटर रख माइनस डी सबको दिखाई पड़ रहा है 11 सेंटीमीटर रख दी। ईसी इक्वल टू 25 में 11 का कितना बचा, 14 सेंटीमीटर। ईसी निकल गया 14 सेंटीमीटर। इसके बाद सही में आपसे ये नहीं बनता क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि तो जो आपको हम एग्जाम्पल उस दिन सिखाए थे उसमें ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ था, तो हाइट जो था वो वेस्ट को एक बाटा निकाल लिया बन गया आराम से। लेकिन बाबू सवाल ये ऐसा नहीं कुछ ना है ना। देखो आगे एक तरीका है, जिस तरीका को बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसको, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोज में हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इन्हें की फॉर्मूला हीरो यूज करेगा, सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला है, हीरोन्स एक साइंटिस्ट है, ठीक है। उसके लगा पैरेंट्स को नहीं मेरा हीरो बनेगा, नाम दे दिया पैरेंट्स के, हीरोज नाम दे दिया उसका, लेकिन बाहर मान के हीरोज नहीं बना, हीरो नहीं बना, बन गया ये मैथमेटिशियन, ठीक है। देखिए हीरोज में क्या कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको नाइन्थ में पढ़ना है इसको, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीन साइड दिए हुए, सिर्फ तीन साइड, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तीन साइड का लेंथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ऐसे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कब निकालते थे, जब हाइट होती थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बट हाइट है क्या, नहीं। बिना हाइट के भी निकालना एरिया तो निकाल सकते हैं किसका यूज करके, हीरोन्स फॉर्मूला का। मींस हीरोन्स फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल वेयर देयर इज नो हाइट, वेयर देयर इज नो हाइट, जहां हाइट नहीं है वहां भी निकाल लेंगे एरिया जिस फॉर्मूला का यूज करके, दैट इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। जिस बिल्डिंग में सीढ़ी नहीं है उस बिल्डिंग में चढ़ना है, जिस तरीका है चढ़ जाएंगे वो तरीका क्या है, इसका हम बात कर रहे हैं, उसका बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो एरोप्लेन चढ़ जाएंगे क्या मैसेजिंग, या अगर आप में, आप में लॉन्ग जंप करने की क्षमता, हाई जंप पे, हाई जंप पे चढ़ जाओ, है कि नहीं। तीन साल दिया है ए बी और सी, तो इसका निकालना एरिया, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ता है, एस को बोलते हैं क्या, एस को बोलते हैं यस, है ना, एस को बोलते हैं साइड, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्या होता है सेमी मींस हेमी, सेमी मींस क्या होता है, हेमी मींस क्या होता है, सेमी हेमी, हेमी मींस हाफ, ठीक है, ठीक है, मींस एक का हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट साफ हो गया, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर मतलब इसके पेरीमीटर का अलग कीजिए, पेरीमीटर में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड ना, सम ऑफ ऑल साइड में ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, ये हो गया पेरीमीटर बाय टू, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। एस निकाल लिए, एस निकालने के बाद इसका एरिया निकल जाएगा एक फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एस है, सिक्स मत पढ़ना इसको, ये एस है, क्या है ये एस, नॉट यस एस, एस निकल आ रही होता है, ठीक है, एस है, ठीक है ना। तो निकल जाएगा एरिया यहां से, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हाइट दिया हुआ नहीं रहेगा, तो जब हाइट दिया हुआ नहीं रहेगा तो देखिए, वो हाइट चाहिए ना,
अरे सुनो पहले नोट बाद में कर लोगे। यहां से गिरा दिए हाइट, यहां से गिरा दिए, इस हाइट को मान लिए एच, वो दिक्कत नब्बे ही होगा बाबू। हाइट का मतलब है कि वो फाइट करते हुए नब्बे पहुंचा दे, जरा फाइट करते हुए पहुंचा दे, ठीक है। अब आइए आगे आइए, बहुत आसानी से समझेंगे आपको, क्योंकि आपको होशियार तो है ही पहले से, है ना होशियार। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो फॉर्मूला था जो साइड में, इसको साइड में नोट नहीं करोगे, यानी कि इसको भी छाप दोगे उसके सामने, इसको साइड में नोट कर लोगे, ये सिखा दिया ट्रायंगल में आकर के ऊपर में हेलेंस फॉर्मूला, इसके बाद शुरू करो। चलिए अब क्या करना है, इस पर गौर कीजिएगा, एस निकालना है किस ट्रायंगल का, ए बी ई सी ट्रायंगल, है ना। एक ग्रुप का काम ये किया, बी ये पूरा हो गया ना, नहीं हो गया, अरे ए स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल सी, नहीं, ए मीन्स 15, बी मीन्स 14, सी मीन्स 13, बाय 2, 15, 14, 29, 29, 3, 32, 10, 42, 2, 21, ठीक है, सॉल्व कैलकुलेशन कर सकते हो ना, अरे 15, 14, 29, 29, 3, 32, 32, 10, 42, अब 22, ठीक है। अब निकल जाएगा इसका एरिया, एरिया क्या पर अंडर रूट एस एस इनटू फिर एस माइनस ए, सही है, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस, कोई दिक्कत देखो, अंडर रूट 21, 21 में 15 गया 6, 21 में 14 गया 7, 21 में चला गया, कोई दिक्कत नो। फिर कहोगे सर 21 को 7 गुना 3 कहेंगे, 6 को 3 गुना 2 कहेंगे, 7 को 7 ही कहेंगे, 8 को 4 गुना 2 कहेंगे, कोई दिक्कत किसी को। कहो ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं क्योंकि रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्लास 8 में तो है ही, इन्हें पढ़े भी थे फर्स्ट चैप्टर में, स्क्वायर स्क्वायर रूट में ग्रुपिंग करते हैं, दो दो के बदले इसको बाहर निकालते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दो पीस सात है, नहीं है, एक पीस सात बाहर आ गया, दो पीस तीन है, एक पीस तीन बाहर आ गया, दो पीस दो है, एक पीस दो बाहर आ गया, फिर चार बच गया ना, चार को दो गुना दो दो बार कहोगे एक दो फिर बारह, तो कहोगे सर सत्ती है इक्कीस, अगर दुनी बयालीस दुनी चौरासी, नहीं आ गया 84 cm स्क्वायर इसका एरिया मिल गया। तो अभी काम नहीं बन गया, काम बाकी है अभी, अब क्या करना है सुनिए, सुनिए अभी देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी का मान कितना निकाल लिया हम लोग, 84 निकाल लिया ना, 84 निकाल चुके हैं। चलिए अब हमने क्या करना है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालिएगा, एरिया ऑफ एबीसी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला पड़े, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बोलो इस ट्रायंगल का बेस कौन है, किसी है, इसी मीन्स 14 इंटू हाइट कौन है एच, तो दिक्कत इक्वल टू कितना होगा 84, सही है, काटेंगे दो सती सात का सात एक आठ बचेगा 14, अरे बढ़ सकती 84, हाइट कितना मिल गया, जब हाइट मिल गया तो सब कष्ट की दूर हो गई, नहीं हो गया। अब निकालना ट्रेपीजियम का एरिया, एरिया ऑफ एम क्या पड़े, हाफ इंटू सम ऑफ पड़े थे 11 + 25 इंटू हाइट का मान निकाल लिया ना, तब बन जाए, इतना ही बाबू करना है। ये क्वेश्चन सचमुच में बहुत बेहतर क्वेश्चन था, क्योंकि आपने इससे क्या सीखा, हीरोन्स फॉर्मूला को सीखा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब एक ट्रायंगल का हाइट दिया हुआ नहीं हो फिर भी उसका निकल जाएगा एरिया, किस फॉर्मूला से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस सेंटीमीटर है, जिसको ए प्लस बी प्लस सी बाय टू कहेंगे, ठीक है। देखिए